अगर आपको क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म इंसेप्शन पसंद है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया फिल्म बताऊंगा देखने को जो आपको पसंद आ सकती है। और इसमें जो मैंने फिल्म्स रखी हैं वो इंसेप्शन से या तो सिमिलर थीम रखती हैं या फिर कॉन्सेप्ट, और ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, सब फिल्म के लिए बहुत ही अच्छी है। तो शुरू करते हैं, तो पहले उसी फिल्म से शुरू करते हैं जो इटसेल्फ इंस्पिरेशन थी इंसेप्शन के लिए, पापरिका। ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है जहाँ ये फिल्म एक साइंस फिक्शन फिल्म है जहाँ एक मशीन चोरी हो गई है जो लोगों के ड्रीम में एक्सप्लोर करने में ट्रैवल करने में हेल्प करती थी, एंड नाउ पापरिका उसको ढूंढ रही है। एंड ये फिल्म सही में बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, और इनका जो ड्रीम्स और रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस फिल्म से ना क्रिस्टोफर नॉलन ने इंसेप्शन में कई सारे सीन रेप्लिकेट भी किए हैं। तो हमारी अगली फिल्म है 2000 में आई फिल्म द सेल, जिसको डायरेक्ट किया था तरसेम सिंह ने। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में एक सीरियल किलर ने एक लड़की को किडनैप कर लिया है, बट अब वो जो है ना वो कोमा में चला गया है। तो नाउ पुलिस वाले जेनिफर लोपेस के कैरेक्टर, जो एक साइकोथेरेपिस्ट है जो किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से लोगों के माइंड में ट्रैवल कर सकती है, तो पुलिस वाले उसकी हेल्प से उस सीरियल किलर के माइंड को एक्सप्लोर करते हैं और पता करते हैं कि उसने उस लड़की को कहां छुपाया है, और एक सीरियल किलर का माइंड कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। आप ये फिल्म देख लेना, आपको पता चल जाएगा देयर इज अ रीजन कि इसको एक हॉरर फिल्म क्यों कहा गया है। एंड ये फिल्म बहुत ही ज्यादा विजुअली स्टनिंग एंड बहुत ही ज्यादा इंटेंस। तो हमारी अगली फिल्म है 1999 में फिल्म द मैट्रिक्स, जिसको डायरेक्ट किया था द वेंचाउस्कीज ने। ये फिल्म एक बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग फिल्म है जो बात करती है रियलिटी, आइडेंटिटी एंड फ्रीडम जैसी थीम्स पे। इस फिल्म में नियो जो एक कंप्यूटर हैकर है, उसको पता चलता है कि उसकी जो वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, जो कंप्यूटर सिमुलेशन है जो मशीन्स ने क्रिएट किया है। एंड अब एक क्रिएबल ग्रुप का लीडर मॉर्फियस का ये मानना है कि जो नियो है वो चूजन वन है जो ह्यूमैनिटी को फ्री करेगा। वैसे इस फिल्म सीरीज में टोटल 4 फिल्म है, बट ये फिल्म जितनी बढ़िया है ना उसके सीक्वल उतनी बेकार है, बट स्टिल चारों फिल्म एंजॉयबल है, बट ये वाला पार्ट जो ना ये माइंड ब्लोइंग है। तुम्हारी अगली फिल्म है 1997 की फिल्म ओपन योर आइज। इस फिल्म की स्टोरी एक 25 साल के लड़के के ऊपर है जो बहुत ही ज्यादा रिच और हैंडसम होता है, बट एक एक्सीडेंट में उसका जो चेहरा है वो खराब हो जाता है, एंड देन वो जो है अपनी ड्रीम्स रियलिटी एंड मेमोरीज में कंफ्यूज हो जाता है। ये फिल्म एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है, और इसका 2001 में एक रीमेक भी बना था वनीला स्काई के नाम से, जिसमें टॉम क्रूज ने लीड रोल प्ले किया है जो बढ़िया है, बट ओपन योर आइज बहुत ही बढ़िया है। तो हमारी अगली फिल्म है 2014 में आई फिल्म प्रीडेस्टिनेशन, जो एक टाइम ट्रेवल बेस्ड साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म में एक एजेंट को पास्ट में भेजा जाता है ताकि वो फिजल बॉम्बर नाम के एक टेररिस्ट को ढूंढ सके। तभी वो पास्ट में एक बार में एक आदमी से मिलता है, जिसकी कहानी सुनने के बाद वो उसकी हेल्प करने की सोचता है, और फिर शुरू होता है एक ऐसा टाइम लूप जो एक सिंपल सी ड्रामा फिल्म को एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में बदल के रख देता है, जहां ये फिल्म बेसिकली इंस्पायर थी ऑल यू ज़ॉम्बीज नाम की एक शॉर्ट स्टोरी से। सिंपली अगर आपको बहुत ही बढ़िया थॉट प्रोवोकिंग साइंस फिक्शन फिल्म देखनी है जो आइडेंटिटी, फेथ, चॉइस एंड नेचर ऑफ टाइम को क्वेश्चन करती है, तो एक बार इस फिल्म को जरूर देख लेना। तो हमारी अगली फिल्म है 2018 में आई फिल्म रेडी प्लेयर वन, जिसको डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पेलबर्ग ने। इस फिल्म में एक वर्चुअल रियलिटी गेम ओएसिस के क्रिएटर अपने मर जाने के बाद एक चैलेंज छोड़कर जाते हैं अपने गेम में, जो उस चैलेंज को कंप्लीट करेगा वो अगला लीडर बनेगा ओएसिस का। तो इस फिल्म में अपना प्रोटैगनिस्ट चैलेंज को कंप्लीट करने निकला है। ये फिल्म एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये देखने के लिए। तुम्हारी अगली फिल्म है 2004 में आई फिल्म इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन रोमांटिक फिल्म है जो बात करती है मेमोरी और लव जैसी थीम्स पे, जहां ये फिल्म इन दोनों के ऊपर है जो अपने ब्रेकअप के बाद एक कंपनी से कॉन्टेक्ट करती है जो लोगों की मेमोरीज को इरेज करती है, जहां ये जो लड़का ये इस प्रोसीजर के लिए अप्लाई करता है, और जैसे ये लोग अपना काम करना शुरू करते हैं लड़की की मेमोरी को इरेज करना शुरू करते हैं, उसको रियलाइज होता है कि वो उस लड़की को अब भी प्यार करता है, और वो फिर ट्राई करता है अपनी मेमोरीज को बचाने के लिए। ये फिल्म एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग रखती है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फिल्म है। तुम्हारी अगली फिल्म है गोस्ट इन द शेल। ये फिल्म एक साइबरपंक साइंस फिक्शन फिल्म है, जहां ये सेट एक साइबरपंक वर्ल्ड में, जहां पर साइबरनेटिक एनहांसमेंट बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और इस चीज को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक पुलिस डिपार्टमेंट डेवलप किया गया है जो एक पपेट मास्टर नाम के हैकर को ढूंढ रहा है। इस फिल्म के एक्शन सिक्वेंसेज और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, एंड मोर देन दैट ये बहुत ही ज्यादा डीप फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे बात करती है, लाइक व्हाट इज इट लाइक टू बी अ ह्यूमन। सिंपली अगर आपको कोई बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन फिल्म देखनी है जो आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस एंड द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन जैसी थीम्स पे बात करती है, तो एक बार इस फिल्म को जरूर देख लेना। सो दैट्स इट गाइस, जो आटो की आटो फिल्म है बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आपको सब पसंद आ सकती है। और अगर आपने और कोई फिल्म देखी है जो इंसेप्शन जैसे सिमिलर थीम्स या कॉन्सेप्ट रखती है, तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।